फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नामिकास कुक बुक। आज मैं लेके आई दिवाली के बच्चे खेल से झटपट से 5 मिनट में तैयार होने वाला है मज़ेदार नाश्ता। यकीन मानिए फ्रेंड, झटपट से बन के तैयार होता है, साथ ही बहुत स्वादिष्ट बनता है। तो चलिए बिना समय गवाए जल्दी से देख लेते हैं कैसे मैंने तैयार किया स्वादिष्ट खील का नाश्ता। ले लिया थोड़ा सा दिवाली का खील, इसको अच्छे से चेक कर लें। इसमें कई बार इस तरीके से धान लगा हुआ आता है खील में, तो उसे हमें चेक करके निकाल लेना है, नहीं तो ये हमारे नाश्ते का स्वाद खराब कर देगा। तो चलिए मैं अच्छे से चेक कर लेती हूँ। ये देखिए एक और आ गया, तो इसको हम निकाल लेंगे इस तरीके से। तो अच्छे से चेक करने के बाद हम बना लेंगे इसका नाश्ता। तो चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स ये मज़ेदार नाश्ता बनाने के लिए कढ़ाई में ले लिया मैंने 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल। बहुत ही कम तेल में नाश्ता बन के तैयार हो जाता है, साथ ही बहुत चटपटा बनता है। तो तेल गरम हो गया है, इसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच मूंगफली और इसे फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, मूंगफली अच्छे से फ्राई हो गई है। तो चलिए मूंगफली को निकाल लेते हैं तेल में से। तो ये देखिए फ्रेंड, मूंगफली को मैंने तेल में से निकाल लिया है। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच साबुत जीरा, साथ ही डाल देंगे 1/2 चम्मच साबुत सरसों। इसके साथ इसमें डालेंगे थोड़ा सा कड़ी पत्ता, इसका स्वाद बहुत बढ़ा देगी। और कड़ी पत्ते के साथ ही हम डाल देंगे 1 आलू, कच्चे आलू है तो मैंने इस तरीके से कट कर दिया। आलू के साथ ही मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक, ताकि आलू जल्दी से पक जाए। तो चलिए आलू को लगभग 1 से 2 मिनट पका लेते हैं अच्छे से। चलिए फ्रेंड, आलू को अच्छे से पका लेते हैं, तो मैं इसे कवर कर दूंगी और 2 मिनट पकने दूंगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे 2 मिनट बाद। तो चलिए फ्रेंड, चेक कर लेते हैं आलू को पकते हुए। लगभग 2 मिनट हो गए हैं, बीच में मैंने एक बार चला भी दिया था इसे। तो ये देखिए लग तो रहा है आलू पक के तैयार हो गया है। मैं काट के दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए बहुत ईजिली कट रहा है, इसका मतलब पक गया है ये। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसमें ऐड करते हैं कुछ मसाले। तो यहाँ मैं सबसे पहले ले लूँगी 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, साथ ही ले लूँगी 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच ही ले लूँगी धनिया पाउडर, साथ ही ऐड कर देंगे इसमें 2 हरी मिर्च। आपको जितना चटपटा बनाना है उस हिसाब से इसमें हरी मिर्च और लाल मिर्च आप ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मसालों को भी मिक्स करते हैं और 1 मिनट पका लेते हैं इसे। तो ये देखिए फ्रेंड, मसाला ऐड करने के बाद भी मैंने 1 मिनट से पका लिया है, फ्राई कर लिया है मसाले के साथ भी। अब इसमें ऐड कर दूंगी मैं 1 प्याज इस तरीके से कट करके, साथ ही ऐड कर दूंगी 1 टमाटर वो भी इस तरीके से कट करके। मैं प्याज और टमाटर अभी डाल दी आलू को पकने के बाद, आप चाहे तो प्याज टमाटर पहले भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से प्याज टमाटर डालने से इसका क्रंच जो है बरकरार रहता है और हमारा नाश्ता बहुत टेस्टी लगता है, इसलिए मैं अभी डाल रही हूँ। ये नाश्ता झटपट से 5 मिनट बन के तैयार हो जाता है, साथ ही बहुत स्वादिष्ट बनता है। तो चलिए फ्रेंड, अब इसमें ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा पानी, लगभग 1 से 2 चम्मच। पानी को भी अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसमें ऐड कर देंगे ये जो खील हमने साफ करके रखा था, सारा मैं इसी में डाल दूंगी। थोड़ा सा पानी ऐड करके डालेंगे क्योंकि ये बहुत ड्राई होता है। तो चलिए सारा खील डाल दिया मैंने, अब खील को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, खील को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब लास्ट टाइम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने मूंगफली फ्राई करके रखी थी, साथ ही ऐड कर देंगे नमक स्वाद अनुसार। थोड़ा सा नमक मैंने पहले भी डाला है, तो नमक ध्यान से डालें। और 1 नींबू का रस इसे चटपटा बनाने के लिए। सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे और लीजिए झटपट से हमारा मज़ेदार स्वादिष्ट नाश्ता बनके तैयार हो गया है। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने सभी चीज़ों को मिक्स कर दिया और ये हमारा मज़ेदार नाश्ता बनके तैयार हो गया है। गर्मा गर्म इसे सर्व करें और इन्जॉय करें। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी इजी और यूनिक रेसिपीज मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहूँ। तो मिलती है ऐसी यूनिक और इजी रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय कुकिंग।